पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत के घर ईडी की तलाशी पर बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, संजय रावत हो या कोई भी गड़बड़ करेंगे तो ईडी वहां पहुंचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाई तौबा क्यों मचाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जो संयुक्त मोर्चा की यहाँ बैठक हो रही है, इसमें जिस तरह का जबरदस्त स्वागत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हुआ है और आज जिस तरह पलके बिछाकर पूरे बिहार के लोग हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करने को तैयार हैं, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक से और ताकत मिली है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह पैदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता यहाँ आए, 200 विधानसभा में गए और वहाँ से जाकर वो जो रिपोर्ट लेकर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे जनता की पूरी मोहर है और एक उत्साह के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारी यहाँ एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ नीचे तक आवाम को मिल रहा है। भाई कैश लेकर चलते हैं कांग्रेस के नेता, नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ती है, ये क्या हो गया है कांग्रेसियों को? इस तरह से पैसे किया खुला लेन देन और वो भी विधायक होकर, मंत्री उनके पकड़े जा रहे हैं, विधायक पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह बंगाल के अंदर नोट की गिनती की जा रही उस तरह झारखंड के भी कांग्रेस के कई एमएलए नोट के साथ पकड़े जा रहे हैं और जब पकड़े जा रहे हैं तो वो अलग अलग तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आखिर बताइए ये नोट कहाँ से आया, ये जवाब तो देना पड़ेगा। झारखंड के अंदर भी लूट की छूट मिली हुई है। कांग्रेस जिस भी सरकार में शामिल होती है ऐसा लगता है कि वो सेवा के लिए नहीं बल्कि धन के लिए कमाने के लिए शामिल हुई है। नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहाँ पहुँचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तोबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं।